वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं हूं अमिताभ का होस्ट और आप देख रहे हैं हमारा नया वीडियो एक जो कि है लखनऊ सिटी पे। तो काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लखनऊ सिटी पे ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये हमारा है, देख सकते हैं हम लोग बंगला बाजार पे हैं और ये हमारी सामने आप देख सकते हैं बंगला पुल है। राइट में जाएंगे तो रायबरेली रोड तेलीबाग के लिए जा सकते हैं और लेफ्ट में हम आशियाना की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से हज़रतगंज तक। तो ये नया वीडियो एंजॉय करिए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हमारे लखनऊ सिटी पे तो आप लखनऊ सिटी की मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 90 प्लस वीडियोस हैं। तो ये हमारी रेड लाइट है फ्रेंड्स जो बंगला पुल वाली है, एंड आप देख सकते हैं इधर VIP रोड के लिए और हम लोग यहाँ से स्ट्रेट चल रहे हैं। ये हमारा रेड लाइट थी, इसके बाद क्रॉस करके अम्बेडकर मैदान है लेफ्ट साइड में आगे जो आप सामने देख रहे हैं, और ये हमारी जेल रोड है, पुरानी जेल यहाँ पर थी। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हैं और ताकि आपको एक अच्छा लुक दे सकें यहाँ से। तो इधर से हम लोग कैंट होते हुए चलेंगे और दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं CCTV कैमराज लगे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जो स्पीड है वो लिमिट में चलाएं, जो भी लिमिट अलॉटेड है वहाँ पर। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स आगे से राइट लेने वाले हैं कैंट की तरफ, एंड अगर लेफ्ट जाएंगे तो गीतापल्ली की तरफ जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो चारबाग रेलवे स्टेशन के बैक साइड की तरफ जा सकते हैं। हमें इधर चलना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने राइट ले लिया और हम लोग एंटर करेंगे कैंटोनमेंट में लखनऊ कैंट, और ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ था, और राइट साइड में इक्षुपुरी कॉलोनी है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, इन्जॉय करिए हमारे साथ लखनऊ का ये टूर हज़रतगंज तक। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे से हमको राइट लेना है, देख सकते हैं हज़रतगंज के लिए बोर्ड भी लगा हुआ था लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आगे से राइट लेना है इसी चौराहे से। अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो KKC की तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट अगर जाएंगे यहाँ से तो आलमबाग की तरफ जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से राइट ले रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैंटोनमेंट की तरफ, और ये कैंट में ही एक्चुअली हम लोग चल रहे हैं। देखिए स्ट्रेट यहाँ से 5 किलोमीटर बचा हुआ है हज़रतगंज, तो चलते हैं स्ट्रेट यहाँ से। और फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं कमांड हॉस्पिटल, ये देखिए कमांड वाला चौराहा है, और ये देख सकते हैं हमारे राइट साइड में कमांड हॉस्पिटल है। तो ये मिलिट्री का हॉस्पिटल है, जैसा कि आप सब जानते हैं अगर लखनऊ से होंगे तो हमारा ये कमांड हॉस्पिटल मिलिट्री का, और इस साइड में भी पूरा मिलिट्री एरिया है, कैंटोनमेंट है, आप जानते ही हैं पूरा आर्मी का एरिया है, और यहाँ HDFC बैंक की ब्रांच भी है, कैंट ब्रांच। तो इधर से आप सदर भी जा सकते हैं लेफ्ट साइड में, आगे भी सदर का रास्ता है, सदर बाज़ार भी काफ़ी फेमस है लखनऊ की। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और अभी हम लोग आ गए हैं ये सूर्या कैंटीन पे। तो हमारी मिलिट्री कैंटीन है ये, और ये एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है, हम लोग इधर से लेफ्ट हो जाते हैं कमांड के क्रॉस करके, कमांड हॉस्पिटल क्रॉस करके लेफ्ट में, और अगर आप स्ट्रेट भी जाएंगे तो वही तेलीबाग वाली रोड आपको मिल जाएगी। एंड हम लोग यहाँ से ये शॉर्टकट पड़ता है तो इधर से वाल्मीकि चौक होते हुए जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो पूरा रास्ता देख सकते हैं आप, काफ़ी ग्रीनरी है कैंट एरिया में, नॉर्मली आपको ग्रीनरी मिलती है हर जगह, वैसे ही लखनऊ में भी है। और ये जो आप सामने चौराहा देख रहे हैं ये हमारा वाल्मीकि चौक है, यहाँ से आप लेफ़्ट लेते हैं तो सदर बाज़ार की तरफ जा सकते हैं, और अपना सीधे एकदम ये रोड जाती है बर्लिंगटन चौराहे पे, एंड हम लोग यहाँ से स्ट्रेट चलने वाले हैं। ये देखिए तो यहाँ पे भी रेड लाइट सिस्टम है, आगे गुरुद्वारा है भी, तो काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है ये कैंट वाला लेफ्ट साइड में हमारे। तो अब हम लोग यहाँ से, ये देखिए गुरुद्वारा का है, और हम लोग यहाँ से चलेंगे स्ट्रेट फ्रेंड्स हज़रतगंज की तरफ, हमें जाना है। तो इस तरीके से ये रोड टर्न करता है, और जो हमारी मेन, जो हम लोग जहाँ से लेफ़्ट ले लिए थे शॉर्टकट की वजह से, उसी रोड पे आगे हमको जाना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमको लेफ़्ट लेना है, और ये हमारी वही डायरेक्ट तेलीबाग से जो रोड स्ट्रेट आ रही होती है, जो रायबरेली रोड की तरफ भी जाती है, वो वाली रोड आ गई। यहाँ से अभी हम लेफ़्ट लेंगे फ्रेंड्स, और लेफ़्ट लेके ये जो ओवरब्रिज है इसको क्रॉस करेंगे रेलवे के ऊपर वाला। यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, यहाँ पर पेट्रोल सही मिलता है, तो इनकेस आपको भराना हो तो कैंट में इस पेट्रोल पंप पे या इसके एक आगे है नीचे में, वहाँ पे भरा सकते हैं। और इनकेस अगर यहाँ जाम लगा तो आप लेफ़्ट साइड से आगे से भी जा सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं स्कूटी से हूँ तो इसी से चलते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लॉरेटो वाले चौराहे पे पहुँच गए, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो विधानसभा के लिए जा सकते हैं।
राइट में आप वही बाईपास वाला रास्ता है इसी का, और ये लॉरेटा कॉन्वेंट स्कूल है, और हम लोग स्ट्रेट चल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से हज़रतगंज के लिए। और इधर आप देख सकते हैं ये हमारा वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, तो गवर्नमेंट का वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। और अब फ्रेंड्स जो ये देख सकते हैं चौराहा है हमारा, मॉल एवेन्यू आई थिंक इसको यही बोलते हैं। इसके अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप लोहिया पथ की तरफ गोमती नगर जाना है आपको, पार्क रोड जाना है उधर की तरफ जा सकते हैं, या चिड़ियाघर की तरफ जाना है। हम लोग यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे अपना अटल चौक के लिए। एक्चुअली हज़रतगंज चौराहे को अब हम अटल चौक बोलते हैं, अटल चौक नाम हो चुका है उसका। तो अटल चौक के लिए हम लोग यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं एंड अब स्ट्रेट चलेंगे। लेफ़्ट साइड में हमारे राजभवन पड़ेगा, राइट साइड में असेंबली ऑफ गॉड्स, ये एक्सिस बैंक है, और इसके बगल में ही चर्च है ये असेंबली ऑफ गॉड्स। एंड यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से आप देख सकते हैं हमारा राजभवन है, जो यूपी उत्तर प्रदेश का राजभवन है, आनंदीबेन पटेल जी हमारी गवर्नर हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हम आगे आ चुके हैं, हमारा हज़रतगंज वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। आगे से हमें स्ट्रेट ही चलना है यहाँ से एंड ये रेड लाइट क्रॉस करेंगे। इसके जस्ट आगे हमारा हज़रतगंज चौराहा है, जो कि अटल चौक भी बोलते हैं, मतलब अब नाम चेंज हो गया जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स इसके लेफ्ट साइड में हमारा लखनऊ का जीपीओ है, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, जो हमारा मेन पोस्ट ऑफिस है वो, ये देख सकते हैं ये हमारा जीपीओ है यहाँ पे। एंड ये स्ट्रेट आप देख सकते हैं हमारा सामने हज़रतगंज चौराहा है, ये लखनऊ का एकदम सबसे पॉश मेन एरिया है मार्केट का। तो पूरा हज़रतगंज मार्केट है, यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे चारबाग के लिए जा सकते हैं, केकेसी की तरफ जा सकते हैं, राइट में आप अशोक मार्ग है, लेफ़्ट में आप विधानसभा के लिए जा सकते हैं। हम लोग चलेंगे यहाँ से स्ट्रेट, तो ये देखिए हम यहाँ से क्रॉस करेंगे अपना अटल चौक और चलते हैं स्ट्रेट यहाँ से। यहाँ से राइट आप जा रहे हैं तो अशोक मार्ग जा सकते हैं, निषादगंज के लिए जा सकते हैं, निषादगंज महानगर इस साइड में अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। ये हमारा मेन चौराहा है, या ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया बना है, ओल्ड डिज़ाइन है, जैसा ब्रिटिशर्स वाला टाइप का ओल्ड डिज़ाइन है। देखिए सारे जो जितने भी आपको शोरूम हैं शॉप्स हैं उसका जो नाम है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, एक ही मतलब पैटर्न पे है पूरा। राइट साइड में मंदिर था दक्षिणमुखी हनुमान जी का, तो जय बजरंगबली। और हम लोग यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे आगे, और वीडियो आज फ्रेंड्स हमारा यहीं तक का है वैसे, तो चलते हैं साहू सिनेमा में, हमको कहीं जाना है अभी। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं साहू सिनेमा, ये पूरा नया टाइप का बन गया, और यहाँ पे बर्गर किंग भी खुल चुका है। तो वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैं एक नया फ़ोन लेने वाला हूँ, उसी की वजह से मैं यहाँ आया था एक्चुअली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।